आज जो प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे इसकी वीडियो ढूंढने पे भी आपको नहीं मिलेगी, ये कहने को नहीं, सच में है। तो मैंने एक लास्ट वीडियो की थी जिसमें हमने आपको लिफ्ट मशीन्स के लिए जो बजट में वर्जन आते हैं वो दिखाए थे, तो मेरे को कमेंट आ रहे थे कि ये सब इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है? तो जो सोल्यूशन आज आपके लिए लेके आया हूँ भाई, बहुत बड़ी उस इंडस्ट्री में लूट हो रही है, जितना भी थार पे लगा रहे हैं बड़ी गाड़ियों पे, वो विंचेस बोल के लगाए जा रहे हैं, उनकी आज लूट खत्म करेंगे अपनी इस वीडियो में। लिफ्टिंग मशीन्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं जो ना चलेंगे बिजली से, सिर्फ और चलेंगे 12 वोल्ट बैटरी से। प्रोडक्ट देखते हैं, और उससे पहले भाई मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं मनदीप टूल्स। इस चैनल पे बात होती है हमेशा टूल्स मशीनरी की, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए भाई जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो करते हैं आज वाला वीडियो शुरू। सत श्री अकाल जी। और सर कितना जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आज क्या प्रोडक्ट है जी अपने पास? तो सर आज हमारे पास प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जो हमारे इससे तो बहुत खूबी पहचानते हैं, इसको मशीन को ले भी चुके हैं, कई कैसे लेना चाहते हैं जी। ये है इलेक्ट्रिक विंच। इलेक्ट्रिक विंच, ये तो सर बहुत वीडियो, 3-4 वीडियो हमने डाल रखे हैं अपने चैनल पे। अब नया क्या है इसमें जी? बिल्कुल सर, देखिए बहुत कुछ नया है। क्या नया? ये नहीं है नया, इसके हैं बहन भाई। अच्छा बहन भाई, ये तो छोटे छोटे बहन भाई हैं जी इसके। ये बहन भाई हुए तो छोटे होंगे ना पहले। ठीक है जी, ठीक है, ठीक सर। तो बताएं थोड़ा प्रोडक्ट की डिटेल, बताएं सर क्या चीज है जी ये? सर ये जो उन लोगों के लिए है जो बंदे पहले तो इलेक्ट्रिक से काम कर रहे हैं जी, लेकिन चाहते हैं कुछ बंदे कि जिनको भी बिजली ना हो, जहाँ पे उनको ऐसा काम हो कि रास्ते में खड़े हैं, टोइंग करनी है, कुछ भी ऐसा काम करना है, उठाना है जी, अपने कोई भी चाहे गुड्स मूविंग वाले बंदे हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं उनका काम है, या घर पे किसी ने छोटा मोटा काम करना है, गैरेज है, कहीं भी कोई भी काम जहाँ लिफ्टिंग का काम है और बिजली जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, और बिजली नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इसमें इस काम कर सकते हैं सर। तो मतलब ये कह सकते हैं जिन भाइयों के पास थार है, जिन भाइयों के पास गुरखा है, जिन भाइयों के पास जिमनी है, जिन भाइयों के पास ऑफ रोडर्स हैं, वो भी गाड़ी के आगे लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हर बंदा जो ऑफ रोडिंग करता है उसको तो मस्ट हो गई ये चीज। बिल्कुल मस्ट हो गई, क्योंकि जहां जहां उन्हें गाड़ियां फंसानी निकालने के लिए चाहिए जाइए कुछ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये आ गई है सर 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाली विंच। अच्छा 12 वोल्ट है, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी प्लग के आप भाई बैटरी से कनेक्ट करो और चलाओ। बिल्कुल लोड उठाएंगी सर ये? बिल्कुल उठाएंगी सर, ठीक है। देखिए हर लोड के अकॉर्डिंग मशीन है यहाँ पे। अच्छा आपके पास वेट के हिसाब से ही वहाँ पे प्रोडक्ट है जी? जी, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कोई बड़ी गाड़ी में लगाना चाहता है जी, बड़ी गाड़ियां टो करनी है उनको उठाना है तो उनके लिए अलग मशीन है जी, छोटी गाड़ियां हैं उनके ऊपर लगाना तो अलग मशीन है। तो सर बताओ फिर इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताएं जी। सर बहुत ही अच्छी मशीन है, 3000 LBS, 3000 LBS मतलब आपका 1360 किलो उठा सकती है। अच्छा 1360 किलो, मतलब एक क्विंटल बोल रहे हैं इसको हम आपको ये कहेंगे कि 1360 हो गया, 13 क्विंटल हो गए, 13 क्विंटल, लेकिन मैं इसको आपको आधा ही बोलूंगा फिर भी जी, ठीक है। जो पहली मशीन में बोलता हूँ आधा उठाओ, तो ये आप 200-300 किलो उठाने के लिए, 400 किलो उठाने के लिए बहुत आई वाली, ठीक है। 400 kg तक अगर आपने कोई वजन उठाना हो, मतलब अगर कार पे बोले थार पे लगाना हो तो बिल्कुल बहुत इजी है सर, सफिशिएंट है जी, कुछ भी नहीं करना सर। एक तार इसको लगा, एक तार आपकी बैटरी को जी, ऐसे ये भी है, एक काली तार और लाल तार इसको, ये काली लाल तार आपकी बैटरी को जी, और ये रिमोट दे रखा है जी पुल करने के लिए, आपकी ये तैयार हो गई विंच। जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जो कुरियर वाली कंपनियां हैं, जिनके पास छोटे पार्सल होते हैं जी, बिल्कुल सर बिल्कुल, बड़े ट्रकों पे कुछ चीज लोड करनी है, ठीक है, तो वहां पे लेबर नहीं मिलती, पल्लेदार नहीं मिलते आदमी को, तो पल्लेदारों का प्रॉब्लम है। तो ये पल्लेदारों का सोल्यूशन है जो मोटर के जरिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन है सर, बहुत अच्छा सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन की सर कॉस्ट बताएं सर, कॉस्ट क्या रहती है जी? कॉस्ट इसकी सिर्फ 6500 प्लस GST। सर रेट चेक कर लो, आपने रेट गलत तो नहीं बोल दिया, ये नेट पे चला जाएगा? बिल्कुल सही रेट बता दिया, 6500 प्लस GST, प्लस GST। तो मैंने तो सुना है कि मेरे दोस्त ने थार पे विंच लगवाई है, वो 30,000 की 50,000 की विंच लगवाई है उसने। सर देखिए हम आपको पता है कि हम आए हैं लूट खत्म करने के लिए, ठीक है जी। तो सर लोग ना यहाँ सड़क पे आपकी दुकान का पता नहीं बताएंगे सर, पहले नहीं बताते, आप आके पूछो किलो पे महाराजा, जिनको सब नहीं बताते हैं। अच्छा नहीं बताते भाई, दुकान है ये देख लो, ये सारी भरी हुई दुकान है सरदार जी की, ठीक है सर। ये तो हो गई अपनी, मतलब आपकी 1300 kg वाली जो कैपेसिटी है, यही कुछ कारण है जो हम रेट कम देते हैं इसलिए नहीं बताते हैं। तो ये हो गई सर 1300 kg की कैपेसिटी की मशीन, अब इससे बड़ी चाहिए सर मशीन, वो बताएं सर। इससे बड़ी आ जाती है, मतलब 4500 LBS, ठीक है, 4500 LBS, ये भी 1600-1700 kg हो जाती है जी, लेकिन अब इसको बोलेंगे 500-600 kg के लिए जी, ठीक है। तो वैसे ही उसमें भी बड़ी हो जाएगी मशीन ये वाली जी, ये भी 12 वोल्ट आपकी बैटरी से चलेगी, ठीक है जी। इसमें हमारे पास सर 25,000 LBS तक, ठीक है जी, उठाने वाली मशीनें आती है। तो सर हमें केजीज में बताएं जी, हमें LBS कुछ नहीं समझ लगता सर, केजी में बताएं कितनी कैपेसिटी रहेगी? सर केजी में सर जैसे 20,000 तक हमारे पास जाता है जी, 20,000 आ गया तकरीबन 10,000 केजी
10,000 केजी तक की मशीन्स आप बैटरी ऑपरेटेड दे सकते हैं। हाँ। मतलब बंदा कोई भी वजन 10,000 केजी बहुत होता है सर, मोटा मोटा आधा गिन लीजिए सर, मतलब आपका 8-9,000 केजी मतलब 8-9 टन तक का आपका काफी बड़े सर हो जाती हैं। जी जी जी। तो वहाँ पे वो वहाँ लगती है जहाँ जिन्होंने टोइंग करनी है गाड़ी निकालनी है, खड्डों में फंस गई या किसी पहाड़ी से गिर गई वहां से निकालनी, उन लोगों के लिए वो बड़ी बैटरीज के साथ होगी। जी तो सर ये इसकी जो ऑपरेशंस हैं, जैसे हम मोस्टली फॉरेन के ट्रक देखते हैं कि उनका जो बैक डोर होता है पीछे वाला जो डाले का डोर होता है जी जी। वो लिफ्ट के साथ लगा होता है, वो नीचे जाता है फिर वो पूरा ऊपर आ जाता है, तो वो शॉकर्स और इनके साथ वो ऑपरेशनल हो सकता है बड़े आराम से हो सकता है सर, बहुत जगह काम आ सकती है सर ये चीजें। तो आपके हमारे जितने भी भाई क्रिएटिव भाई हैं जो मतलब किसी तरह का क्रिएटिव काम करते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो उनके लिए भाई ये तोहफा है, आप अपना दिमाग लगा के इस्तेमाल कर लें और क्या से क्या बना सकते हैं किसी सर, भी चीज में बहुत कुछ बना सकते हैं आप। बैटरी से लगा के पीछे मैंने किसी कस्टमर को दिया है, उन्होंने शादी में लगाने के लिए ऊपर से झूमर नीचे लगाते हैं लाके, उसमें आजकल शादियों की ट्रे आती है, रिंग सेरेमनी करने के लिए मुंदरियां आती हैं उसमें जी, जी, जी। तो बड़ा कुछ होता है सर, दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं सर जी, जी। तो बहुत कुछ बहुत ऑपरेशनल काम ले सकते हैं, और पहाड़ों में भी इनका यूज बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं वहां पे बैटरीज के जरिए, यहाँ बिजली अवेलेबल नहीं है सर। छोटी बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी कितना साइज लेती है आपको पता ही है, इतनी छोटी सी बैटरी आती है उससे आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो सर जी से आप कॉल कर सकते हैं, सरदार जी आपको उसकी डिटेल से जानकारी दे देंगे। तो सर इसकी कॉस्ट क्या रहेगी सर अपनी मशीन की? इसकी कॉस्ट रहेगी 8,500 प्लस जीएसटी सर, 8,500 प्लस जीएसटी मतलब 8,500 और 6,500 जी बिल्कुल सर। इसके बाद जितने भी आगे के जैसे सर आपका बढ़ता जाएगा कैपेसिटी बढ़ती है वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, वो प्राइस लेने हो तो आपको कॉल कर लें, अपनी जरूरत बता दें, आप उसको मशीन सजेस्ट कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर इनमें से कोई भी मशीन बाय करनी है तो उसका प्रोसेस बता दें सर। सर इन मशीनों को बाय करने के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं महाराजा इंजीनियरिंग टूल शॉप नंबर 10 सेंट्रल मार्केट गिल रोड लुधियाना नियर HDFC बैंक के साथ गली में आना सर आपको, अगर आप किसी से पूछते नहीं बताता तो बैंक के साथ HDFC गली बैंक के साथ गली में आना आपको। ठीक है जी। और सर पेमेंट्स का मोड क्या रहता है अपने पास? पेमेंट सर आप हमें सर क्या गूगल पे पेटीएम अकाउंट ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजिटल पेमेंट यूज कर सकते हैं जी। अगर आके यहाँ कैश देना है तो कैश भी दे सकते हैं सर जी। और सर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं? कैश ऑन डिलीवरी सर हम करते हैं लेकिन उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, कई जगह नहीं हो पाती है जी, जो गांव वगैरह है वहां पे नहीं हो पाती, कुछ शहरों में हो जाती है, कई जगह होती है कई जगह नहीं हो पाती है, तो आप हमें एक बार कंफर्म करें एड्रेस दीजिए, हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, उसमें आपको हाफ पेमेंट पहले देनी होती है जी, फिर कैश पेमेंट आपका हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, और डिलीवर कहाँ कहाँ करते हैं सर? डिलीवरी सर लद्दाख से कन्याकुमारी कहीं भी हो सकती है सर। ठीक है, तो सर अपनी डिलीवरी सेफ एंड सिक्योर होती है जी? सर डिलीवरी हमारी तरफ से सेफ एंड सिक्योर होती है, हम आपको जब कोरियर शिप देते हैं उसमें वेट वगैरह भी लिखा होता है, अगर आप कोरियर मंगवाते हैं तो कोरियर में आप सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कोरियर कोई भी हो कहीं से भी लें, मेरे से लें किसी और से भी लें, जब भी लें ओपन डिलीवरी लें, ओपन डिलीवरी लें, और अगर हमारे जैसे हमारे कोरियर आते हैं तो उनसे इन्वेंटरी बनवाएं कि इसमें से क्या निकला। ठीक है, ओपन बॉक्स कोरियर लें। हाँ, ओपन करवाएं, उसी से पोस्टमैन आता है कोई भी आता है आपका स्पीड पोस्ट वाला आता है तो उससे ओपन डिलीवरी लें सर जी। अगर आप ओपन डिलीवरी नहीं लेते हैं क्लोज लेते हैं तो उसमें किसी की भी लायबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, मतलब लायबिलिटी को हिंदी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, हमारी जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी किसी की नहीं रहेगी, अगर आप उससे ओपन करवाएंगे उसी वक्त ओपन करवा लेंगे तो उसकी जिम्मेवारी फिर वो वाला जो लेके आया उसकी हो जाती है। ठीक है जी, थैंक यू। तो भाई दिखा दिया और देखा इसका साइज छोटू सा है पर काम करता है बड़े बड़े, बाकी जितनी कैपेसिटी है सरदार जी ने वो सारी बता दी, कितनी बड़ी रेंज है उनके पास इन प्रोडक्ट्स में, बाकी अगर आपने इसको ऑर्डर करना है वो भी मैंने प्रोसीजर बता दिया, फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे भाई कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, यहाँ पे शॉप का नंबर आ रहा है तो आप वहां पे भी इसके बारे में कोई भी जानकारी आप ले सकते हो। इसके अलावा भाई महाराजा इंजीनियरिंग टूल पे कंप्लीट रेंज मिलती है टूल्स की मशीनरी की, तो वो सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं फोन करके। बाकी यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है और चैनल पे भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मिलते हैं इस तरह की टूल्स की किसी और वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, सत श्री अकाल।